हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारा नया सेंटर जो है ये खुल चुका है, जहाँ पे आपको AC फ्रिज वगैरह की सारी सुविधाएं दी जाती है, सारा काम सिखाया जाता है। तो आइए चलिए हम आपको ये दिखाते हैं, यह सेंटर जो हमारा है और नया सेंटर है। इस नए सेंटर का हमारे का ऑफिस है ये, और ये ऑफिस में बैठने के लिए सारी व्यवस्थाएँ हैं। ठीक है, आप यहाँ से एंट्री करने के लिए है, और ये हमारा जो रूम है ये स्टोर रूम के लिए हमने बनाया है। यहाँ पे जो सामान एक्स्ट्रा होती है उसको रखा जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये हमारा रहा प्रैक्टिकल रूम, जहाँ पे सारी सामान जितने भी ये सामान दिख रही हैं, ये सारी की सारी सामान दोस्तों बच्चों के प्रैक्टिकल के लिए, जो बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, ये उनके लिए रखी गई है। सबकी सब सामान है यहाँ पे लगा के विस्तृत रखा गया है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रिज रखा गया है, RO रखा गया, और भी बाकी की सामान रखी गई है। आप देख सकते हैं RO वगैरह लगा हुआ है, और ये रही AC। आप ये देख सकते हैं कि फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन भी रखी गई है, और उसके बाद ACयां हैं, और ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन रखी गई है, AC है, और बहुत सारी सी सामान हैं। ये बिल्कुल फ्रिज वगैरह सारी चीज़ें, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो बच्चों को यहाँ सिखाया जाता हो और उपलब्ध ना हो। हर एक चीज़ का पूरा पूरा विधिवत रखा गया है, और भी प्रैक्टिकली के साथ सिखाया जाता है। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिकली रूम, और बहुत सारी सामान यहाँ रख दी गई है। कुछ सामान अभी बाहर में है प्रैक्टिकल के लिए है जो, और ये आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा क्लासरूम जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है। अभी क्लास चल रहा था, अभी हाउस वायरिंग का क्लास चल रहा था, और ये देखिए हाउस वायरिंग का डायग्राम हमारा बना भी है, और हाउस वायरिंग के लिए अभी बच्चों को हमने बाहर रखा है। बगल में मेरा जो हॉस्टल था, उस हॉस्टल में उनको हाउस वायरिंग का काम सिखाने के लिए बताया जा रहा था कि कैसे अगर किसी के घर में पाइपिंग की गई है तो आप वहाँ तार कैसे डालेंगे, ये तार डालने के लिए ये सारी चीज़ें उनको सिखा रहे हैं, हम बता रहे थे। तो आपको ये चीज़ें भी दिखा देते हैं, और चलिए साथ में हम ये दिखाते हैं कि बच्चे हमारे इस समय क्या कर रहे हैं, कि हाउस वायरिंग का काम करने के लिए, पाइपिंग के लिए वो कैसे कैसे काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम चलते हैं। हॉस्टल बिल्कुल हमारा जस्ट बगल में ही है, और ये इसी में चल के आपको दिखाते हैं कि हाँ बच्चे क्या कर रहे थे और कैसे कैसे पूरा सिस्टम है सर। तो चलिए बगल से आएंगे, गलियारा है, और इस गलियारे के ही बगल में ही हमारा ये सामने वाला जो है ये हॉस्टल है। बाहर से तो सब कुछ कंप्लीट है, बाकी अंदर से अभी वायरिंग इसकी नहीं हुई है, और नीचे का फर्श बन रहा था तो वायरिंग नहीं हुई है और खाली है। तो हम ये सोचे कि बच्चों को दिखा दें कि कैसे कैसे यहाँ पे होता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं, और यहाँ से हमने एंट्री किया, देखिए बाहर से सब कुछ कंप्लीट है, यहाँ पे जो है वायरिंग के लिए अभी कुछ बना हुआ कुछ नहीं। मोटर देखिए यहाँ पे लग चुका है, सारा काम रेडी है, कुछ काम केवल बाकी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हम यहाँ से दिखाते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे। इधर से देखिए, आप देख सकते हैं इधर सब लगे हुए हैं। तो ये रहे ये लोग। सर जी आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ अच्छा, तो देखे हैं, देख रहे हैं अभी। अच्छा आप बताइए सर। सर वही मतलब वायर कैसे डाला जाता है, वो डालने के लिए बताया गया है। हाँ कर लेंगे सर, इसको देख के जिस हिसाब से बताया गया है कर लेंगे। क्या कुछ उससे अलग आ रहा है क्या डालने में? नहीं सर। हाँ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपका सर हो जाएगा। हाँ, सर, हो जाएगा सर। अच्छा इधर ये लोग कर रहे हैं क्या? देखिए ये लोग अपने से डाल रहे हैं वायर, अभी वायरिंग हुई नहीं थी, बाकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। देखिए ये आप क्या लिए हैं सर हाथ में? ये सर स्टील वायर है। इसका काम किस लिए होता है? इसका काम होता है सर, जैसे कि पहले वायर को डालेंगे, हाँ, जहाँ सर्किट का वायर लेना है वहाँ से इसको लॉक करके वापस वायर को खींचने को। हाँ वायर डालने के लिए मदद करेगा आपका ना, वायर को खींचने के लिए। ठीक और ये बिना सीढ़ी के बांस लगा के बिल्कुल बंदा चढ़ गया और खोल रहा है, देखिए ऊपर। और ये इतने लोग सपोर्ट में देखिए लगे हुए हैं, बिल्कुल अच्छे से पकड़े रहिएगा, नहीं तो वो खोलने में बेचारा नीचे ना आ जाए। पूरा साफ कर दीजिएगा उसको अच्छे से, बात सही है आपकी। वायर को प्रेस करिए, बिल्कुल हाँ यहाँ से जा रहा है ना, देखिए वायर यहाँ निकल गया, यहाँ से डाला गया और ये बोर्ड से और चला आया यहाँ।
यहाँ से पकड़ी, अगर कहीं फंसा होगा तो वायर बीच में ही छूट जाएगा। वहाँ पे हल्का सा देखिएगा पाइप के मुख के, अरे उनको हम बोल रहे हैं सीढ़ी नहीं है, तो पता है तो वहाँ तो हाथ से कर दिया जाता काम, निकल जाएगा। इधर तार बाहर निकल गए, अब यहाँ से इसको छोड़ दीजिए। नहीं पा रहे हैं ना वो पूरा, इसलिए क्या करेंगे आगे, अंजनी क्या करेंगे आप? अच्छा तो डबल में है तो आ गया है, आता है तब वो किस चीज के लिए आया है? कोर्स करने के इच्छुक है तो नीचे दिए नंबर पे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।